नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे। आज से हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर डे वन है, आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सेशन में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आपको आता भी हो तो उसका रिविजन करने वाले हैं, और अगर नहीं आता हो तो उसको सिलसिलेवार तरीके से एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में पाने वाले हैं। जो भी साथी मेरे आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप लोगों ने मुझे मेरे नाम से अन अकेडमी पर फॉलो कर लेना चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो जहां आपने मुझे ढूंढा है वहां पर एक फॉलो का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर फॉलो का ऑप्शन दबा दीजिए। फॉलो के साथ साथ आपको मेरे नाम से जितने भी क्लासेस भविष्य में होंगे उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। साथ में मेरे नाम के नीचे मेरे द्वारा जो क्लासेस ली जा रही हैं एसएससी के अंदर, उन सबका आपको डिटेल मिल जाएगा। आप पुरानी क्लासेस देखना चाहें पुरानी देखें, नई क्लास देखना चाहें नई क्लास देखें, ठीक है। ये डे वन है। आपको यहाँ जो कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट को आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपके क्लास के जस्ट बगल में 3 डॉट्स दिए हुए हैं। क्लास के बगल में दिए गए 3 डॉट्स पर आप क्लिक करिएगा। वहां पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको जो भी कंटेंट मैं शो कर रहा हूं वो सारा की सारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हमारे द्वारा इससे पहले फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी। फिजिक्स के अंदर कुछ लेक्चर्स बचे हैं। मैंने आपकी 13 फरवरी के दिन क्लास शाम 6 बजे शेड्यूल की है, इसी सिक्वेंस में शेड्यूल की हुई है। आपको वहां से एक क्लास प्राप्त हो जाएगी, नंबर एक। दूसरा, उसके अतिरिक्त जो जरूरी क्लासेस हैं, चूंकि ये वाला शेड्यूल बहुत पहले से बना हुआ रहा था, इस वजह से नया शेड्यूल बीच में ऐड नहीं हो पा रहा था। मतलब सिस्टम ऐसा होता है साथियों कि अगर ये वाला क्लास बना हुआ रहा है तो अगर मुझे फिजिक्स के लिए बीच में लेक्चर चाहिए तो ये पूरा शेड्यूल सरकाना पड़ेगा, तब जाकर के ही हम नया शेड्यूल ला सकते हैं। इसलिए मैंने जो बीच में मुझे समय दिखा सैटरडे का, मैंने वहां पर अपनी क्लास एंगेज कर ली है ना, तो वो वाली क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप उसका भी जो बचा हुआ पार्ट है पूरा की पूरा मैं उसको कवर करा दूंगा, लेकिन इन्हीं क्लासेस के बीच में टाइम निकाल करके, है ना। तो ये सिस्टम होता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आज के सेशन के अंदर। कोई दिक्कत? पवन चौरसिया सर, वो जो 3 on 1 और 16 in 1 पेज का ऑप्शन होता है प्रिंट के लिए, वो पीपीटी के लिए ही अवेलेबल होता है, लेकिन हमें जो स्लाइड पीडीएफ में मिलती है वो एक पेज पर एक ही प्रिंट होती है। तो A4 का इशू परमानेंट रिजॉल्व हो जाएगा। सो आप बहुत ही पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आप प्लीज पीपीटी फॉर्मेट में टेलीग्राम पर डाल दिया करें। बेटा पीपीटी प्लेटफॉर्म उसमें नहीं डाल सकते पवन चौरसिया, उसमें हमारी लिमिटेशंस होती हैं। पीपीटी पे क्या होता है बेटा कि पीपीटी एडिटेबल होती है ना, और पीपीटी पर अगर किसी ने एडिट कर दिया तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। अगर कुछ किसी ने गलत एडिट कर दिया तो आपके आपके कंफर्ट के लिए नुकसान हमारा हो जाएगा। तो वो खामखा मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए समस्या मतलब मेरी गहरी है कि मैं आपको पीपीटी उपलब्ध नहीं करा सकता। पीपीटी में क्या एडिट हो जाता है बच्चा, है ना, और वो एडिट जो है फिर वो नुकसानदायक हो जाता है। तो माफी चाहूंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, है ना। हाँ जी ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या कुछ पढ़ेंगे आज हम, आइए देखते हैं। आइए साथियों, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए सिलेबस के अंदर, शुरुआत जहां से हम लोग करते आए हैं, जो तरीका हमारा रहा है, हम लोग साथियों यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहली चीज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड आफ्टर ऑल होता क्या है, लॉन्गिट्यूड के साथ साथ लैटिट्यूड क्या होता है, और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। जी हाँ, ये एसएससी के लिए ही है, आप एसएससी कैटेगरी में ही इसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप इन चीजों को आज यहां पर जानेंगे, क्या है लॉन्गिट्यूड, क्या है लैटिट्यूड, क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन। इन तीनों बातों को हम क्यों सीख रहे हैं, हम इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी आपको देते हैं। साथियों, इस धरती को हम में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि ये कुछ इस प्रकार की शेप जो आपके सामने दिख रही है, कुछ लोग गोलाकार कहते हैं, कुछ लोग अंडाकार कहते हैं, कोई ना कोई साइज लिए हुए है, ऐसा लोगों की रिसर्च से पता चलता है ना। जो भी साथी नए हैं उन सबसे निवेदन है कि आप शांति से बैठे क्लास के भीतर। शुरुआत में केवल 40 मिनट आपको पढ़ना है, उसके बाद में अगर कोई समस्या आपकी होगी जो कि वाकई में बहुत बड़ी समस्या है तो उसे हम सुन लेंगे, आप नोट मत लीजिए, ठीक है ना। तो आप केवल शिद्दत से सुनते चले और मतलब बात को सुनेंगे गहराई से तो समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मैं आपकी पढ़ाई संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, और पढ़ाई संबंधित समस्याएं जो है वो ऑलरेडी मैं ले ही रहा हूं, तो जब आप पढ़ ही ढंग से लेंगे तो समस्याएं बचेंगी ही नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के अंदर ये जो धरती की आकृति है इसको लेकर के बहुत रिसर्च हो ली, लोगों ने आसमान में जाकर के धरती को देख लिया और ये क्लियर हो गया कि हाँ धरती कुछ ऐसी ही है जैसी यहां पर दिख रही है ना। अच्छी बात है, लेकिन बड़ी मुसीबत ये थी कि दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंसान को कुछ लैंडमार्क की आवश्यकता थी। लैंडमार्क की, हाँ जी लैंडमार्क की आवश्यकता थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से चलता हूं और दिल्ली आना चाहता हूं,
वाशिंगटन डीसी से दिल्ली आने के एक समय पर जो रास्ते थे, श्री कृष्णा आज संतरे की बलि नहीं चढ़ेगी क्योंकि हमने ग्लोब खरीद लिया, तो वो ग्लोब से आपका काम हो जाएगा, है ना। तो पहले यह होता था कि दुनिया जहां भी सफर करती थी, सफर करने के लिए पानी के रास्ते का उपयोग किया करती थी या फिर जमीन के माध्यम से चला करती थी। पानी और जमीन, ये दो ही रास्ते होते थे जहां से, ये वो विद्यार्थी हैं जो साल भर से हमसे पढ़ रहे हैं, जब पहली बार हमने ये पढ़ाया था चैप्टर, तब हमारे पास घर में ग्लोब तो था नहीं क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो हमने ग्लोब के स्थान पर हमारे घर में रखे हुए संतरे का उपयोग किया था, इसलिए इस क्लास को संतरा क्लास बोलते भी है ना। तो हमने फलों में उसका उपयोग किया था, तो बच्चों को वही चीज ध्यान है डे वन से, ठीक है ना। हाँ, तो ये अब सोचिए कि ये उस समय से पढ़ रहे हैं और अभी भी फिर से बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब इनका मजा जो है अब तक बरकरार है पढ़ाई को लेकर के। ये हमारी उपलब्धि है कि हम पूरा की पूरा एक सिक्वेंस फॉलो किए, मतलब जहां से शुरू किए थे आज हम वापस उस जगह घूम करके दोबारा पहुंच गए हैं, और भगवान के आशीर्वाद से और आप सबके स्नेह से मुझे इतनी शक्ति मिली कि मैं इन सारे सब्जेक्ट्स में आप सभी का प्यार और समर्थन पाते हुए वापस उसी जगह दोबारा पहुंचा हूँ, है ना। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब पढ़ाते हुए वापस से ज्योग्राफी वाले सेशन पे पहुंच गया हूँ, और इस बीच में आप लोगों का इतना सारा प्यार कंटिन्यू रहा, कहीं पर भी आप लोग जो है मतलब, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा भी है ना। चलिए, तो फिलहाल के लिए बात यह है कि इंसान ने जब पानी से यात्रा करी या जमीन से यात्रा करी, तो उसने हमेशा मतलब इन सब जगहों को आसानी से आंखों से देखा, अपने लिए पहचान बनाई। आपको पता है भारत में जो अजंता एलोरा की गुफाएं पढ़ते हैं आप लोग, इसी के साथ साथ आप बहुत सारे बौद्ध स्तूप पढ़ते हैं, है ना। आपको अगर मालूम हो तो बौद्ध मठ है औरंगाबाद के अंदर, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, और वो जो कौन सी केव्स है जिसके अंदर वो बना हुआ है, अपन ने दिखाई भी थी, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, बहुत सारी महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के अंदर भी गुफाएं हैं। वो क्या गुफाएं हैं, उनमें क्या होता था कि बुद्धिस्ट मॉन्क जब यात्रा किया करते थे तो रास्ते में चैत्या और विहारा बनाया करते थे, है ना। तो चैत्या और विहारा बनाया करते थे, रास्ते में रुका करते थे, उन लोगों का एक पर्टिकुलर रास्ता हुआ करता था जिसको वो लोग फॉलो किया करते थे। साथियों, जमीन पर तो ये रास्ता फॉलो हो जाता है, जैसे आपको मालूम है, कहते हैं कि दिल्ली से अगर किसी को गुजरात विजय पर जाना हो, दिल्ली से अगर निकल करके किसी को गुजरात की यात्रा पर जाना हो, तो उसे रूट जो है वो उदयपुर के बगल से निकलना ही पड़ेगा। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की यात्रा पर गया था, गुजरात को जीतने गया था, तो ही उसका रास्ते में चित्तौड़गढ़ में युद्ध हुआ था, और चित्तौड़गढ़ के युद्ध में जो वो युद्ध था जिसमें आप पद्मावत मूवी के बारे में जानते हैं, राजा रतन सिंह के साथ जो युद्ध था, है ना, तो वो वाला युद्ध आपने ऐतिहासिक मूवी के अंदर भी देखा है। इसके पहले रास्ते में रणथंबोर पड़ता था, तो लैंडमार्क तो बनाए जा सकते हैं। लैंडमार्क का मतलब है कि आप यहां से निकले रणथंबोर, रणथंबोर से चित्तौड़, ऐसे करते करते आप गुजरात पहुंच गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हवा में कोई लैंडमार्क नहीं होता, हवा में कोई लैंडमार्क नहीं होता। अब आजकल की जो यात्राएं हैं वो हवाई जहाज से होती हैं, और हवाई जहाज के लिए कोई लैंडमार्क नहीं होता कि हाँ भाई ये देखिए, ये निकल गया चित्तौड़, ये निकल गया कुंभलगढ़, ये निकल गया रणथंबोर, ऐसे कहते हुए हवाई जहाज नहीं चलेगा। हवाई जहाज तो सीधा आसमान में चल रहा है। अच्छा, अब एक जबरदस्त बात मैं आपको बताऊं, हालांकि अब तो आपको ये बहुत मालूम होगी क्योंकि मैंने बहुत बार इसका जिक्र कर दिया है, जब हवाई जहाज आसमान में उड़ता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। वो पाकिस्तानी हो सकते हैं जिन्हें आसमान में उड़ता हुआ यूएफओ दिखाई दे जाए और उसका वो वीडियो बना लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आसमान में जब आप चलते हैं तो आपको जहाज के नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट में यात्रा की होगी, नहीं की होगी तो किसी फिल्म में वो दृश्य जरूर देखा होगा जिसमें आपको दिखाते हैं कि आप जिस विंडो पर बैठे हुए हैं उस विंडो के बाहर तो दिख रहा है आपको कि बादल हैं, लेकिन आपको उस विंडो के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे भाई एक मिनट, ये चक्कर क्या है, एक तो मनीषा पागल हो गई है ना, तब से 1 घंटा हो गया है। ये मनीष है, मनीष गिठाला, बेटा तुम्हें विदा करते हैं, मनीष गिठाला, थैंक यू, बाय बाय, चलो ऐश करो, पगला गए हो क्या है, एक तब से क्लास शुरू हुई है तब से मतलब समझ भी नहीं आ रहा है, पगला गए, हम सोच रहे हैं अब भी मान जाओगे, अब भी मान जाओगे। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिएगा। तो भाई अब हम क्या कह रहे हैं, आपने कभी देखी हो, हम ये सब बातें भूमिका क्यों बना रहे हैं ताकि आपको इस चीज के बारे में थोड़ा महत्व पता चले कि हम क्या कह रहे हैं। आपने देखा हो हवाई जहाज की खिड़की पर जब आप बैठे होते हैं, आप नहीं भी बैठे हो तो भविष्य में बैठ जाएंगे क्योंकि मोदी जी के द्वारा स्कीम चलाई गई है आप लोगों के लिए उड़ान नाम से, और बहुत सस्ता हो गया है हवाई जहाज, मैं भी बैठ लिया हूं अब तो इसमें, है ना। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप बैठे हैं, खिड़की से बाहर झांक रहे हैं, आपको आसमान तो दिखाई दे रहा है लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस खिड़की के नीचे का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। खिड़की के नीचे का दृश्य देख के करोगे क्या, बोले सर। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आप हवाई जहाज से उड़ रहे थे, रास्ते में दिल्ली क्रॉस हो गया, आपको क्या पता चलेगा। भाई आप जो है वाशिंगटन से चले दिल्ली तक आए, दिल्ली क्रॉस कर गए, कैसे पता चलेगा, बोले सर देख लेंगे नीचे झांक के। अरे तो भाई नीचे झांकने के लिए कुछ दिखना तो चाहिए, आपको तो कुछ जमीन पर दिख ही नहीं रहा है, फिर लैंड कैसे करोगे। आपको जमीन पर लैंड करने के लिए क्या चाहिए,
बोले सर दिखना चाहिए। हमने कहा दिखना चाहिए ना। मैंने कहा बस का ड्राइवर बस चलाता है तो सामने उसको सड़क दिखती है, उसको आसपास की दिक्कतें पता चलती हैं, वीडियो रिकॉर्ड लेकिन करना हवाई भाई जहाज मेरे वाला को। जब पायलट जहाज चलाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता है। उसे कुछ नहीं दिखता है मतलब बस वो बादल देख रहा होता है, राजी होकर बैठा होता है। उसके सामने तो पूरी की पूरी कॉकपिट बनी होती है, उसमें बटन ही बटन, बटन ही बटन लगे होते हैं, उसको कुछ नहीं दिख रहा होता है। उसके सामने कुछ नहीं होता है, वो आराम से, हाँ वो सोता भी है, वो आराम से ऑटो पायलट पे लगा करके घूमने निकल जाता है, वो आराम से वीडियो गेम भी खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है पायलट। उसका जो मेजर रोल है वो तो बस उसको उठाने में और नीचे बिठाने में है। तो बोले सर अच्छा ऐसा वाकई में होता है क्या? अरे हाँ भाई। तो बोले पायलट का काम इतना आसान है क्या? नहीं। अब यहां पर क्या महत्वपूर्ण चीज है मैं आपको वो बताता हूँ मेरे प्यारे साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, फिर वो पायलट उड़ाता कैसे है? तो भाई उसको उड़ाने के लिए कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। अब बोले ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? उसको एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाती है। क्या बताई जाती है? कि भाई दिल्ली जो है वो इतने डिग्री पूर्व में है, इतने डिग्री नॉर्थ में है, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है। इन तीन कोऑर्डिनेट्स को उसे दिया जाता है। दोबारा से सुनिए, उसको क्या क्या बताया जाता है? उसको बताया जाता है कितना तो पूर्व में है, कितना उत्तर में है। उसको दो ही चीजें दी जाती हैं, या तो उसको पूर्व और पश्चिम का नॉलेज दिया जाएगा या उत्तर और दक्षिण का नॉलेज दिया जाएगा। नंबर एक उत्तर और दक्षिण का नॉलेज, और दूसरा समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, जिसे आप एल्टीट्यूड कहते हैं। ये तीन बिंदु उसको पकड़ा दिए जाते हैं। और तो और मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, अपने जो मिग विमान उड़ाने वाले भी होते हैं ना, मिग छोड़िए, जितने भी लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हैं, आसमान में उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को भी दिखाई कुछ नहीं देता है। वो केवल कोऑर्डिनेट्स पर कार्य करते हैं। इसलिए आपने कभी भी देखा हो तो एयरफोर्स और नेवी वाले जो लोग होते हैं, ऐसे नेवी वालों को भी कुछ नहीं दिखाई देता है, पानी के भीतर क्या पता चलेगा? वो सब लोग बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स वाले होते हैं। अगर आपने देखा हो तो एयरफोर्स और नेवी के अंदर हमेशा मैथमेटिक्स की मांग की जाती है कि भाई मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि असल में उन्हीं को कोऑर्डिनेट्स की कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों कोऑर्डिनेट्स बहुत जरूरी चीज होती है, उनको ये सारी बातें बताई जाती हैं। फिर आप पूछेंगे ये ईस्ट और वेस्ट का क्या चक्कर है? तो अब आप इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, धरती अगर इस प्रकार से गोलाकार है तो इसको बीचों बीच में से कुछ इस प्रकार से बांट दिया गया। कैसे? बीच में एक लाइन खींची गई और उस लाइन के ऊपर की तरफ कहा गया नॉर्थ और नीचे की तरफ कहा गया साउथ। पूरी धरती पे इक्वेटर से ऊपर जितनी भी जगह है वो सब नॉर्थ के नाम से ही जानी जाएंगी। मतलब चाहे फिर वो इंडिया हो या फिर वो अमेरिका हो, वो सारी की सारी इस नॉर्थ के ही लेटिट्यूड पर बताई जाएंगी। मैंने आपसे क्या कहा? दो बातें बताई जाती हैं, आइदर ईस्ट और वेस्ट या फिर नॉर्थ और साउथ, दो तो ये, और तीसरी चीज होती है एल्टीट्यूड। अब बोले ये क्या होती है? तीन चीजें सीखनी है आपको। कौन कौन सी सीखनी है? लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। अब बोले ये क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूं। लेटिट्यूड तो है जो धरती को दो भागों में बांटता है, कैसे? नॉर्थ और साउथ, ठीक है। लॉन्गिट्यूड वो है जो धरती को दो भागों में बांटता है, ईस्ट और वेस्ट, और एल्टीट्यूड वो है जो कि समुद्र तल से ऊंचाई बताता है। अब आप पूछेंगे कौन से वाले समुद्र से? बड़ा सवाल है सर, कौन से वाले समुद्र से? इंडियन ओशियन से कि पैसिफिक ओशियन से? तो मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हो या पैसिफिक हो या फिर अटलांटिक हो, सबका जल एक समान है, सबका जल एक समान है। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा जी हाँ, इन सारे के सारे पानियों का वाटर लेवल एक ही है। यही कारण है कि हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई लिखी हुई देखते हैं। कहाँ देखते हैं? मैंने कहा भाई साहब आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाइएगा, रेलवे स्टेशन पर आपको डेफिनेटली जहां पर रेलवे स्टेशन का सबसे आगे बोर्ड लिखा मिलेगा, उस बोर्ड पर आपको जंक्शन का नाम लिखा मिलेगा। जैसे मेरे शहर के जंक्शन का नाम है अलवर जंक्शन, इसके जस्ट नीचे लिखा होगा मासु, यानी माध्य समुद्र तल से ऊंचाई। क्लियर है? आप देखिएगा माध्य समुद्र तल से ऊंचाई यहां पर लिखा हुआ होता है। कोई भी आप स्टेशन गूगल कर लीजिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको अगली बार जब आप जाओगे तो आपको मेरी ये बात याद आएगी। हर जगह के स्टेशन पर लिखा होता है ये। अब अच्छा सर, बोले क्या सर ट्रेन भी कहीं से कूद के आती है क्या? मतलब क्यों लिखा होता है ये वाली बात, अभी बताते हैं आपको। ये भी बताएंगे कि ट्रेन के लिए क्यों लिखा जाता है ये सब, ये भी बताएंगे, क्योंकि सर ट्रेन भी लैंड होती है क्या? मैंने कहा नहीं, ट्रेन तो लैंड नहीं होती है, लेकिन आपको बताएंगे जरूर। हाँ जी, लेकिन इसके साथ में आपको बात समझ में आ गई। बच्चों के दिमाग में एक बड़ी क्यूरोसिटी ये क्रिएट हो गई, सर ये ऊंचाई क्यों बताते हैं? मैंने कहा मतलब? बोले सर मतलब ऊंचाई समान कैसे होती है हवाई जहाज के लिए समुद्र तल से ऊंचाई? तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के सारे मैप देखना, दुनिया का सारा पानी आपस में जुड़ा हुआ है। देखिए अगर आपको वर्तमान में ये मैप दिखाऊं मैं, अगर कोई सा भी मैप देखिए,
यदि ये आप पहचान रहे हैं तो मैप में आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना, ये वाली जो जगह है ये अटलांटिक ओशियन है साथियों, ये इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये सारे समुद्र किसी ना किसी माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। नीचे से देखिए, यहां से पानी आपस में जुड़ा हुआ है ना, यहां से पानी आपस में यम मेडिटेरेनियन ओशन से होता हुआ, स्वेज कैनाल से होता हुआ, बोले सर स्वेज कैनाल तो बाद में बनी, अरे कोई बात नहीं, नीचे से होता हुआ, आर्कटिक सर्कल से होता हुआ, सारा आपस में जुड़ा हुआ है। और बताऊं मैं आपको, अगर पानी आपस में ना जुड़ा होता ना तो हम उसको ओशियन ही कंसिडर नहीं करते, उसको लेक डिक्लेयर कर देते हैं। यदि कोई भी सी ऐसा है जिसका पानी किसी और सी से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे लेक डिक्लेयर कर दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बाल्टिक सी और कैस्पियन सी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाल्टिक सी के बराबर ही दिखता है कैस्पियन सी, लेकिन लोग कैस्पियन सी को भी लेक कंसीडर करते हैं। लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, कैस्पियन सी को भी क्या वो करते हैं कि बोले सी नहीं है ये लेक है। बोले क्यों, कैस्पियन समुद्र का पानी किसी अन्य समुद्र से कनेक्टेड नहीं है, वो चारों तरफ से अवरुद्ध है, वो चारों तरफ से, कैस्पियन समुद्र जो है वो चारों तरफ से लैंड के माध्यम से घिरा हुआ है, कोई अन्य समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। आ गई बात समझ में। अरल सी जो है वो भी किसी अन्य समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसे भी लेक जैसा ही कंसीडर किया जाता है, नाम भले ही सी लगा हुआ हो। आ गई बात समझ में। मैप में दिखाएंगे, हालांकि सुबह अपनी मैपिंग वाली क्लास चल भी रही है, आप लोगों ने वो देखी भी होगी, उसमें हम दुनिया के जितने भी प्रमुख समुद्र हैं वो करवाएंगे, लेकिन आप लोगों को ये मालूम हो जाना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो मेरे प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए हमको ऊंचाई की बात समझ में आ गई। अब आप में से कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर ऊंचाई के हिसाब से बात समझ में आ गई, सर एक बार आंसर ये वाला और दे दो कि वो अलवर वाले स्टेशन पर ऊंचाई लिखने का क्या फायदा है। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, अलवर वाले पे लिखने का क्या फायदा है, ऊंचाई के हिसाब से तो उसको नीचे आना नहीं है। मैंने कहा हाँ ये सवाल सही है, चलो मैं बता देता हूँ। वो इसलिए किया गया है मेरे प्यारे साथियों कि जब ट्रेन का ड्राइवर इंजन चला रहा होता है ना, तब भाई साहब अगर कोई अगला स्टेशन उसको पता है कि ऊंचाई कम पर है या ज्यादा पर है, उसको लिखित में दे दिया जाता है, वो उसी हिसाब से सतर्क हो जाता है। आप पूछेंगे सतर्क होने का क्या मतलब है, अब मैं आपको एक आप बीती सुनाता हूं। आप बीती ये है मेरे प्यारे साथियों, मैं अभी अभी जनवरी में, 16 जनवरी को मैं वहां गया हुआ था, गोवा गया हुआ था, मैंने आपको बताया भी था। और गोवा में मेरे प्यारे साथियों एक वाटरफॉल है जिसका नाम है दूध सागर, है ना, दूध सागर वाटरफॉल के पास में घूमने गया था। वहां पर साथियों उस पूरे नेशनल पार्क में होकर के एक ट्रेन गुजरती है, उसका नाम नेशनल पार्क का महावीर स्वामी नेशनल पार्क है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं मिस कर रहा हूं, जिस नेशनल पार्क के अंदर ये है उसका नाम महावीर स्वामी नेशनल पार्क है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, उस नेशनल पार्क से गाड़ी ट्रेन पास होती है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, अरु के बटड़े के दौरान गया था। अब उसमें मैंने क्या देखा कि वो जो ट्रेन है ना, जब वो उस जगह से निकल रही थी, मैं देख करके हैरान रह गया कि उस ट्रेन के आगे 2 इंजन और पीछे 3 इंजन लगे हुए थे। सोचिए ध्यान से, यहां पर उस ट्रेन के आगे 2 इंजन और पीछे 3 इंजन लगे हुए थे। आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ, ऐसे क्यों भाई साहब, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट में होकर के ट्रेन गुजर रही है, और वेस्टर्न घाट में वो ट्रेन गुजरती है तो उसे ऊंचाई पर चढ़ना होता है, ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए उसे इंजन की आवश्यकता होती है, आगे से 2 इंजन खींच रहे हैं और वो पीछे ना लौट जाए, बिल्कुल कोंकण रेलवे का हिस्सा है वो, और पीछे ना लौट जाए इसलिए मेरे प्यारे साथियों उस जगह पर 3 इंजन पीछे लगे हुए हैं। अब आगे बात समझ में है, इंटरेस्टिंग तथ्य। तो ये मैं अब देखिए, ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ाता रहता हूं तो ऐसी चीजें नोटिस भी तुरंत होती हैं। जब मैंने देखा यार, मैंने कहा ट्रेन छोटी सी है, इसमें इतने इंजन क्यों लगे हुए हैं, और ट्रेन भी आप सोच के देखिए नेशनल पार्क के लेक में धड़ 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 तेज निकलती हुई जा रही है, जबकि होता यह है कि नेशनल पार्क में आप तेज ट्रेन नहीं निकाल सकते। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये ट्रेन इतना फास्ट क्यों निकली है। बोले सर आप इंजन देखिए कितने हैं। मैंने कहा वो तो खींच के ले जा रही होगी। अजी नहीं सर, ये इंजन इसको धक्का दे रहे हैं और ये केवल ऊंचाई तक चढ़ाने की चढ़ा के आने का काम करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये है मेरे प्यारे साथियों पूरी गणित जो एल्टीट्यूड की है। समझ में आ गई बात। तो ये था मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट तथ्य बताया, एल्टीट्यूड का क्या मायना है, ठीक है। चलिए, हाँ, भगवान महावीर है क्या, वो क्या नाम है नेशनल पार्क का, सौरभ, भगवान महावीर है शायद ना, वो देख लीजिएगा, महावीर स्वामी या भगवान महावीर कुछ इस प्रकार का नाम है उसका। हाँ, उसके बाद वापस वो इंजन जो है वो खाली खाली उतर के वापस आ जाता है। हाँ, आर्यन चौधरी, भगवान महावीर नेशनल पार्क है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये है साथियों जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको एल्टीट्यूड की कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब हम वापस आते हैं, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो धरती को अंग्रेजों ने, क्योंकि देखो हम लोग तो बढ़िया थे, भारत में ही जब थे ना तब खुश थे, हम खुश क्यों थे, इंडियंस को तो साफ पाप लगता था समुद्र में उतरना। इंडियंस के साथ तो ये होता था कि अगर कोई समुद्र में हमको उतार देगा तो हम उसको बुरा मानते थे, हम लोग क्या मानते थे, बुरा मानते थे कि ना साहब ना, ये पाप है, समुद्र की यात्रा ही पाप थी जनाब हमारे लिए। तो
समुद्र की यात्रा को पाप मानने वाले हम भारतीयों को तो कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं। हम लोगों ने तो अपने निशान बना रखे थे, वहां का पानी काला है तो वहां का नाम काला पानी है ना। हम तो जगह को उसके रंग के आधार पर, वहां के लोगों के हिसाब पर, हर जगह को, पंजाबी लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं तो चलो पंजाब कह दो उस क्षेत्र को, सिंध वाले लोग सिंधी भाषा बोलते हैं तो सिंध कह दो। हमारे यहाँ पे दिमाग ज्यादा लगाने का ही नहीं। राजा लोग रहते हैं तो चलो राजस्थान कह दो, है ना, ये बिल्कुल भारत के बीच में है तो चलो मध्य प्रदेश कह दो, दिमाग लगाने का ही नहीं। ठीक है, अच्छा तो तमिल लोग तमिल भाषा बोल रहे चलो तमिलनाडु कह दो। मतलब हमारे यहाँ पर जो नाम था वो या तो किसी किंवदंती के ऊपर था, बंगाली बोल रहे हैं तो बांग्लादेश, बंगा बंगाल, पश्चिम बंगाल कह दो। हमारे यहाँ पर या तो कोई कहानी जुड़ी हुई थी, कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी थी किसी से जुड़ी हुई, है ना, किसी ना किसी आधार पर हम जगह का नाम, और आज भी रखते हैं। आज भी इलाहाबाद का नाम बदल करके देव वो प्रयागराज कर दिया गया है, तो माइथोलॉजिकल रीजन है क्योंकि सर यहाँ पर मतलब नदियों का संगम हो रहा है, बहुत ही पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए नाम रख दिया है। फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या रख दिया क्योंकि वो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से तो हम तो इस चीज में अपने आराम से लंबे समय तक व्यस्त थे और हम मानते थे कि ये गलत है ये सही है, समुद्र में उतर गए तो गलत है। लेकिन अंग्रेज तो साहब पूरा व्यापार करेंगे, उनको इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको तो हम लोग लगते ही थे सपेरों का देश, कहते थे वो भारत वालों को, ये सपेरे हैं, मतलब अपन लोगों को ना, अपन लोग को कहते थे कि ये लोग है ना वो अपन बीन बजा करके सपेरे का डांस दिखाते हैं, जिसको अपन कहते हैं अपनी प्रतिभा विलुप्त ना हो जाए। अंग्रेज अपनी इसी बात का मजाक भी बनाते थे, वो कहते थे कि इन लोगों का सही सिस्टम है भाई, ये लोग जो है ना सांप का खेल दिखा करके, स्नेक चार्मर्स कहा करते थे अपन लोगों को, दीज आर दीज पीपल आर द स्नेक चार्मर्स, मतलब ये बस घुमाएंगे और बढ़िया से मतलब इसी में ही खुश रहेंगे, है ना, और हम लोगों को दुनिया नापनी है। और इसी कारण से जब वो इंडिया आए थे अंग्रेज तो अपने बारे में यही कहा करते थे क्या, कि हमारे ऊपर हमको ईश्वर ने भेजा है ताकि आप लोगों को सद्बुद्धि दे सके। अपने ऊपर उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि हमको ईश्वर ने भेजा है ताकि हम आपको सही से समझा सकें, ये ईश्वर का हमारे हमारे लिए एक आदेश है। जैसे हम व्हाइट मैन्स बर्डन मान के मानते हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब गोरे लोगों को ईश्वर ने ये वो दी है, मतलब स्पेशली मतलब भेजा है ताकि आप लोगों को हम सुधार सकें, सिविलाइज्ड कर सकें, इसलिए हमने आप लोगों के पास में यहाँ पे आने का निर्णय लिया है। लेकिन हम लोग आपकी जगहों को जानते नहीं है, तो जगहों को जानते नहीं है तो हमने इस, अब देखो बेटा समझदार कितने, पूरी धरती को, क्योंकि हम तो पानी में उतरते नहीं थे, और उनके बारे में ये कहते थे कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, या फिर यूं कहते थे कि इनके राज में सूरज कभी छिपता नहीं है। सूरज कभी छिपता नहीं है मतलब क्या हुआ, जहां देखोगे कहीं ना कहीं तो ब्रिटिश हुकूमत में सूर्य उग ही रहा होगा, चाहे इधर से जापान से लेकर के यूएस तक चले जाओ, पूरी जगह सूरज कहीं ना कहीं तो उग ही रहा होगा भाई साहब। तो ये इनका वो था तरीका था, अपना एटीट्यूड लेके चलते थे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड साथ में एटीट्यूड, तो हमारा एटीट्यूड था इनका भाई साहब गजब वाला। तो ऐसी स्थिति में इनने कहा देखो हमारे लिए बड़ा मुसीबत भरा होता है, किसी व्यक्ति को क्या बताएंगे, हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई मतलब दिल्ली के धोरे जो है वो गुड़गांव पड़ता है, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे, हम उसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता के बताएंगे, वो सीधे पहुंच जाएगा, वो धोरे वाला कंसेप्ट बोले हमारे नहीं चलेगा। तो भाई साहब उन्होंने सबसे पहले दुनिया पर राज करना था, इसलिए दुनिया के विकसित राष्ट्रों को अपने पास बुलाया और बुला करके अपनी एक लेबोरेटरी में बैठ करके दुनिया पर इन्होंने ऐसे ही साइन किया है। तो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के पास बैठ करके इन लोगों ने दुनिया को बांटना शुरू किया, बोले देखो पृथ्वी ये गोल गोल है, अब अपन ही लोग व्यापारी हैं, अपन को ही समझना है, लड़ झगड़ वहां जाके लेंगे। अब देखो इन लोगों का गजब सिस्टम होता था भाई, मतलब आप सोच के देखो ये फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे हैं यूरोप में, तो इंडिया में भी युद्ध हो रहा है, मतलब इनका अलग ही सीन चलता था भाई, यूरोप में युद्ध तो इंडिया में कार्नेटिक वॉर चल रहा है ना, तो इंडिया में ये मतलब दुनिया में इसी तरह से बैठ करके व्यापार कर रहे थे, अपन लोग इनके लिए मात्र पपेट थे। आज भी देख लो, आज भी अपन लोग पपेट ही हैं इनके लिए, है ना। कैसे, आप लोग देखिए आज इंडिया में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, गूगल फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट, हम लोगों का कोई हमसे कोई कंसेंट ही नहीं ले रहा है, हमसे जिस दिन वो कंसेंट ले लेता है उस दिन तो हंगामा हो जाता है, हमारे ऊपर हमारी सारी जानकारी फेसबुक भर भर के ले जा रहा है। व्हाट्सएप ने एक दिन हमसे ये कह दिया कि मैं आपसे पूछूंगा, उस दिन हमने हंगामा कर दिया, अदरवाइज वो ऑलरेडी हमारी सारी जानकारियां लेके घूम रहा है। तो हमारे ऊपर पहले भी ऐसे ही शासन होता था, आज भी ऐसे ही होता है, आज भी उनके ऊपर वाकई में ईश्वर ने बर्डन देके रखा हुआ है ताकि वो हमें हांक सके, और वो हांक भी रहे हैं। तो अब क्या हुआ, तो साहब ऐसी स्थिति में वहां बैठ के डिसीजन हुआ कि चलो पृथ्वी को बांटते हैं। अब कैसे बांटे, बड़ी मुसीबत। तो बोले एक काम करो, पृथ्वी की आकृति को नोटिस करो। बोले चलो नोटिस करते हैं। नोटिस किया तो भाई साहब ये चीज पता चल के आई कि पृथ्वी के ऊपर लेटी हुई लाइनें बनाई जा सकती हैं और खड़ी हुई लाइनें बनाई जा सकती हैं। तो खड़ी हुई लाइन में ऊपर की तरफ जो बिंदु था उसे नॉर्थ पोल कहा गया और जो नीचे की तरफ वाला बिंदु था उसे साउथ पोल कहा गया। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। और इस आधार पर मेरे प्यारे साथियों इन लाइनों को, दोनों पोल्स को मिलाती हुई रेखाएं खींची गई, ये सीधी सीधी एक लाइन खींच दी गई। इस प्रकार से धरती को एक गेंद माना गया कि बिल्कुल वैसे ही हो गया, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आप भी जब किसी फल की स्लाइस बनाते हैं, आपने देखा हो आप अगर एप्पल को काट रहे होते हैं, जब एप्पल के प्रति आपका बेहद प्यार उभरता है तो आप एप्पल को काट काट करके स्लाइस बना के खाते हैं, तो उन स्लाइस को भी आप बहुत ही करीबी से काटते हैं,
केंद्र से शुरू करते हैं, बीच में से यूं काट काट करके आप उसको खा रहे होते हैं, और जब बेरहम होते हैं आप उसके ऊपर तो पूरा के पूरा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बना देते हैं आप उसकी, है ना। हाँ, अगर आप ऑरेंज को ध्यान से देखें तो उस ऑरेंज के अंदर भी जो स्लाइसेस हैं वो कॉर्नर्स पर पतली हैं और बीच में जो है वो मोटी होती हुई साइड तक जा रही है। एग्जैक्टली इन लोगों ने भी ऐसे ही किया, धरती को बिल्कुल स्लाइसेस में बांट दिया इस प्रकार से। देखिए प्रॉपर स्लाइस है, आप संतरे की फांक समझिए, देखिए साहब आप ऐसे ही देखिए, एकदम प्रॉपर परफेक्ट स्लाइसेस में पृथ्वी को बांट दिया गया। ये देखिए आप, कोई चिल्पो नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया से बांट दिया गया, ठीक है साहब। अच्छा, अब साथियों, मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इन्होंने इसको बांट दिया और 360 डिग्री के अंदर डिग्री के हिसाब से बांट दिया। कुल मिलाकर के इन्होंने केवल एक छोटा सा कंसेप्ट लगाया, बोले भाई दिमाग पे कतई लोड मत डालो, क्या है कुछ नहीं है, पृथ्वी गोल है, बोले हाँ गोल है, 360 डिग्री पृथ्वी घूम सकती है, बोले घूम सकती है, बोले कितनी डिग्री में घूम सकती है, कितनी देर में घूम सकती है, बोले कितनी देर में क्या घूम सकती है, 24 घंटे में पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम जाती है, बोले ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर पृथ्वी 360 डिग्री, क्योंकि जहां पर आप थे वापस वहीं पर आ जाएंगे, 360 डिग्री घूम लेती है, बोले हाँ, बोले कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री के आधार पर बांट दो। तो भाई साहब इन्होंने डिग्री के आधार पर पृथ्वी को बांट दिया और ये निर्णय लिया कि पृथ्वी में 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री चला जा सकता है, या फिर ये समझा जाए कि जो 1 घंटा है, 360 डिग्री बटे मतलब 24 घंटे अगर आप करेंगे तो 15 डिग्री, यानी कि इन्होंने ये निर्णय निकाला कि पृथ्वी पर सूर्य की गति देख लो या खुद की गति सोच लो, 1 घंटे में 15 डिग्री ट्रेवल करता है सूर्य किरण। अब वो आप अपने ऊपर मान लो कि आप किस प्रकार से डिग्रियों का निर्धारण करने वाले हो। लोगों ने कहा सर निर्धारण कैसे करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, बोले भाई 1 घंटे में कितना होता है, बोले 60 मिनट होता है, कितना डिग्री होता है, 15 डिग्री होता है, तो बोले एक काम करो 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट रख लो, यानी कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट यात्रा करती है, यानी सूर्य जो है वो 1 डिग्री, मतलब असल में सूर्य तो यात्रा कर ही नहीं रहा है, पृथ्वी कर रही है, लेकिन हम अपने लिए मान सकते हैं अपेरेंट मूवमेंट कहते हैं इसे, ठीक है ना। बोले अच्छा, तो पृथ्वी का घूमना इस प्रकार से है कि वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है, दिन और रात उसी से तो बन रहे हैं। बोले अच्छी बात है, बोले इसका फायदा क्या, पृथ्वी के घूमने से हमारा क्या लेना देना, बोले लेना देना कुछ भी नहीं है, हम तो केवल आपको सिखाने के लिए ये बात कर रहे हैं। अब अपन लोग क्या करते हैं, इस पूरी पृथ्वी के अंदर कुछ इस प्रकार से लाइनें खींचते हैं जहां से भविष्य में किसी को भी आइडिया देना आसान होगा। बोले नहीं समझे सर, कैसे, क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा भाई यूं समझो आप, अपन लोग कई बार जैसे आपके घर का कोई घर करीबी, जैसे मान लो कि जैसे मैं मेरा उदाहरण लेता हूं, तो मेरा उदाहरण यह है कि मेरी सिस्टर जो है वो मुझसे फोन पे बात कर रही है कि भैया वो वाली जगह कहाँ पर है ना, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, लेट से कुछ भी पूछा कि भैया ये वाली जगह कहाँ पर है, मान लीजिए कि मैं कहीं गया था, मान लीजिए मैं जयपुर गया, जयपुर में मैं किसी जगह खड़ा था, मैं किसी सिनेमा हॉल में खड़ा था, वहां से मुझे किसी मतलब रेस्टोरेंट का डिस्टेंस बताना था, अब फोन पे बात हो रही है, मैं उसको बता रहा हूँ कि सुन यार एक काम करना, मेरा ये जो मतलब कितना दूर है भैया, मैंने कहा सिनेमा हॉल से रेस्टोरेंट उतना ही दूर है जितना अपने घर से वो वाला हॉस्पिटल या अपने घर से वो वाला सर्कल। ये मैं अपनी आप बीती समझा रहा हूं, आप भी अपने आप का दिमाग जोड़ लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं और मेरी सिस्टर किसी एक कॉमन चीज को जानते हैं, इससे तुरंत ये समझ में आ गया कि अरे हाँ आप तो सही कह रहे हो। फिर से समझना भाई, मैंने कोई भी रेफरेंस लिया, जैसे मान लो आप अपने परिवार में भी ऐसा ही करते हैं, मैं इसलिए आपका जुड़ा हुआ उदाहरण लिया हूं, आप अपने परिवार में भी ऐसा ही करते हो, किसी को कुछ बताना होता है तो आप ऐसे कहते हो कि अच्छा वो वाली जगह है ना, वहां से इतना दूर है, बोले कितनी दूर है, बोले जैसे अपने घर से वो वाली जगह, जो लोग कॉमन जानते हैं। अरे आप मेरी पॉइंट समझ पा रहे हो, हर कोई आपने किसी ना किसी को एक लैंडमार्क बनाया होता है, अपने घर से वो इतनी दूर पर है तो उसके आधार पर बोले इतनी ही दूर समझ ले ये है। आ गई बात समझ में, एग्जैक्टली दुनिया को इन लोगों ने एक रेफरेंस जगह दे दी, दुनिया को इन्होंने एक रेफरेंस जगह दे दी जिसे हम GMT कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जहां से इन्होंने धरती को बांटना शुरू कर दिया। अब देखिए ये थी मेरे प्यारे साथियों धरती अपने पास, इस धरती को इन्होंने बांटना शुरू किया और धरती को बांटते हुए इन्होंने धरती के ऊपर एक लाइन ऐसी खींची जिसे इन्होंने GMT और 0 डिग्री नाम दे दिया। देखिए ये आपको दिख रहा है, आपको अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा हो तो यूनाइटेड किंगडम दिखाई दे रहा होगा, यूनाइटेड किंगडम में एक तरफ आयरलैंड दिखाई दे रहा है और एक तरफ आपको ये देखिए एक लाइन खिंची हुई दिख रही होगी, ये जो लाइन आपको दिख रही है सीधी ये यूनाइटेड किंगडम से ही पार हो रही है, इसको इनने 0 डिग्री नाम दे दिया। अब देखो आपको मैं दिखाऊं, ये 0 डिग्री पार होती गई अल्जीरिया से, पार होते होते, एक मिनट, पार होते होते नीचे निकल गई, नीचे निकल गई, नीचे निकल गई, नीचे निकल गई, ये देखो
अटलांटिक ओशन पार होती होती निकल गई, ये होती हुई चली गई, ये होती हुई चली गई, अंटार्कटिका से पार हो गई, ठीक है, ये पार होती होती चली गई, मतलब समझ रहे हो आप। ये देखो पूरी धरती को इन्होंने एक ही लाइन से इस प्रकार से बांट दिया, एक कद्दू सा रखा और काट दिया, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर एक लाइन बीच में से खींची, बीच में से जो लाइन इन्होंने खींची उस लाइन को मेरे प्यारे साथियों इन्होंने प्राइम मेरिडियन कह दिया। क्या कह दिया? प्राइम मेरिडियन, जिसको आप जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कह दिया। आप में से कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये कहीं और हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन साहब ये लोग इतने चालू हैं, इतने चालू हैं कि इन लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को बनाया। किसकी सुविधा के हिसाब से? अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को बनाया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, थोड़ा सा रोचक है, मैं आपको वो दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए आपको मैं इसी मैप के माध्यम से दिखाऊंगा, एक बार पुनः देखें आप। आपको ग्रीनविच मीन टाइम दिखाई दे ही जाएगा, ये मेरी फिंगर को देखें, एक्चुअली क्या कैमरे में वो मिरर बन के आती है ना, इसलिए थोड़ा उल्टा हो जाता है। ये ग्रीनविच मीन टाइम दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया सीधा सीधा निकल गया। साथियों इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट इस तरफ देखो, मैं यहां पलटता जा रहा हूं, आपको एक डॉटेड लाइन दिखना शुरू हो गई होगी, डॉटेड लाइन दिख रही है। फिर से देखो, ये डॉटेड लाइन थोड़ी टेढ़ी बांकी भी दिख रही होगी, लाल लाल रंग से है, लाल लाल रंग से देखिए, ये देखिए अलास्का और रशिया के बीच में से होती हुई एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, दिख रही है। फिर से देखो इधर की तरफ वापस आओ, ये तो हो गई जीएमटी, इसके जस्ट अपोजिट में एक डॉटेड लाइन दिख रही है, दिख रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा फॉक्स पड़ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो 2D में 3D दिख नहीं सकता, इसलिए मेरे को यहां से दिखाना पड़ रहा है, मैं इसको यहां बताना चाह रहा हूं। इधर देखें, ये तो 0 डिग्री आपको दिख रहा है, ये रहा, इसके जस्ट अपोजिट देखो आप, इसके जस्ट अपोजिट इस वाले की बात हो रही है, आपको पता है ये जो इसके जस्ट अपोजिट दिख रहा है ना, ये 180 डिग्री के अपोजिट है, और उस 180 डिग्री के जो अपोजिट है ना वो ये है, मतलब यूं समझो कि आप उधर की तरफ जब हो ना तब तो वो जीएमटी पर जा रही है, यूं ये समझो उस धरती के पीछे की तरफ वाला हिस्सा है, क्योंकि दिख नहीं सकता, वो तो था जीएमटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री, भाई अगर एक बॉल है, इस बॉल को अगर मैं बॉल मानता हूं, ये एक बॉल है, इस बॉल को मुझे दो बराबर भागों में बांटना है, मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के सामने इस बॉल को दो बराबर भागों में कैसे बांटा, भाई मैंने यहां से काट दिया। आप देखें ये जो आपको दिख रहा है एक रेड, एक लोहे का सा स्ट्रिप जो दिख रहा है, इसके जस्ट अपोजिट मैंने इधर की तरफ नाप दिया, ये देखिए, इन दोनों चीजों को नोटिस करें, ये सोचिए कि बराबर बीच में से बांट रहा है इसको यूं करके, ये इधर से बांट रहा है, तो एक तरफ तो जीएमटी हो गया, इसके अपोजिट साइड 180 डिग्री पूरे हो गए, 180 डिग्री जहां पूरे हुए ना उस जगह का नाम ही इंटरनेशनल डेट लाइन रख दिया। क्या नाम रख दिया? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आपको यह बात समझनी है पूरी धरती कितना घूम रही है, 360, 360 में से हाफ 180 एक जीएमटी है, और जीएमटी के जस्ट अपोजिट क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगर कोई आपसे पूछे कि जीएमटी और इंटरनेशनल डेट लाइन में कितना अंतर है, तो भाई साहब पूरा 180 का अंतर है, यो 180 और यो 180, कहीं से भी आ जाओ, चाहे आप पूरब से पश्चिम चलो या उत्तर से दक्षिण, कैसे भी चलो, मतलब लेफ्ट से राइट चलो या राइट से लेफ्ट चलो, आओगे वहीं। आगे बात समझ में? अच्छा अब कॉमन सेंस लगाना, वो 0 डिग्री है, ये 180 है, कितना घंटा लगा होगा 180 तक सफर तय करने में, कितना घंटा लगा होगा? तो भाई साहब 180 के अंदर मैंने आपको अभी बताया था, जब 360 डिग्री 24 घंटे में घूमता है, तो 180 डिग्री 12 घंटे में घूम जाएगा, कितने घंटे में घूम जाएगा, 12 घंटे में घूम जाएगा। सोचो आप यहां थे, यानी कि इसके अपोजिट साइड को थोड़ा फील करना, इसके अपोजिट साइड को जरा फील करना, आप वहां खड़े थे, आप सोचो आप ग्रीनविच मीन टाइम पर खड़े हुए थे, ठीक है, आप वहां से निकल करके मेरे प्यारे साथियों इस आईडीएल पर, इंटरनेशनल डेट लाइन पर आए, 12 घंटे लग गए आपको, आप इधर से भी आ सकते थे और इधर से भी आ सकते, कहीं से भी आते आप पहुंचते यही 12 घंटे सफर के बाद। सफर के बाद मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों, जो मेजर मकसद है हमारा वो 12 घंटे हमारी यात्रा नहीं है, हमें पता है पृथ्वी ऑटोमेटिक घूम के वहां पहुंच जाएगी, आप तो पृथ्वी पर रहिए खुद से पहुंच जाते हैं आप। बोल अच्छा उड़ने की भी आवश्यकता नहीं है? ना भाई, आप रोजाना पहुंचते हो, जब सूर्य आपके पास आता है तो इसका मतलब आप घूम रहे हैं, वो घुमा घुमा के ले जा रही है आपको, आप उड़ ही नहीं रहे हैं, आप तो बैठे हुए हैं, पृथ्वी आपको ऑटोमेटिक ले जा रही है वहां तक। बोले फिर तो हम घूमते घूमते कभी भी वाशिंगटन नहीं पहुंचे, कभी भी हम तो न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे, हम तो कभी भी लंदन नहीं पहुंचे। अरे तो वो भी तो घूम रहे हैं,
सब लोग घूम रहे हैं, तो आप लोगों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कभी भी, आप लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो स्थिर हैं, लेकिन किसी एक जगह के रेस्पेक्ट में आप लोग घूम रहे हैं, इसको ऐसे समझिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पृथ्वी है साहब, अब आपको इसको ऐसे समझना है, सूर्य यहां है। बोले मैं घूम रहा हूं, इसकी क्या गारंटी है? मैंने कहा भाई गारंटी ये है कि ये जो पृथ्वी है ना, ये घूम रही है, ये घूम रही है, और आप जो है यहां पर खड़े हुए हैं टॉर्च लेके, आप घूम रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? सूर्य यहां पर है, मेरा ये वाला हाथ सूर्य है, इसके सामने से पृथ्वी, इसको एक बार ढंग से घुमा लेता हूं, ये घुमा दी मैंने। अब इसके रेस्पेक्ट में मेरे प्यारे साथियों, जब सूर्य के साथ में पृथ्वी घूम रही है, तो आप इसको यूं समझने का प्रयास करें कि अर्थ घूम रही है, अर्थ का घूमना जो आपके सामने हो रहा है इसे फील करें, अर्थ घूमती जा रही है, अर्थ घूमती जा रही है। आप 12 घंटे में वापस आधी दूरी तय कर चुके, 12 घंटे में आधी तय कर चुके, अगली 12 में पूरी कर गए, 24 घंटे में आप वहीं आ गए। उदाहरण के लिए बताऊं, आप अपने आप को खोज लो, कहां हो आप, ये रहे, ये दिखाई दे जाओगे, आप ये रहे, अभी आपके सामने मैं ये रहा, आपको मैं खुद ही आपके सामने उदाहरण से समझा देता हूं, आपके सामने मैं ये रहा। अब देखिए मैं इस ग्लोब को घुमाना शुरू कर रहा हूं, नोटिस करना, ये घूमने शुरू हुए, हम घूमने शुरू हुए, घूमने शुरू हुए, घूमने शुरू हुए, घूमते गए, घूमते गए, आपके सामने पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, अब ये पृथ्वी वापस आ गई, आ गई। अब एक बात को समझना साथियों, इस समय पृथ्वी मेरे सामने है, पृथ्वी मेरे सामने है, आपके सामने पृथ्वी नहीं है, तो ये 180 डिग्री है, और अब ये आपके सामने वापस आ गई। फिर से देखिए, एक बार पृथ्वी बाहर निकल गई, फिर दोबारा मतलब इंडिया बाहर वापस आ गया, फिर इंडिया वापस आ गया, फिर इंडिया वापस आ गया। अरे ऐसे ही तो सूर्योदय होता है हमारे देश में, हर बार सूर्योदय कैसे हो रहा है? हम अपने देश में कह रहे हैं कि सूर्योदय हो गया, कहां हुआ सबसे पहले? पूर्वोत्तर भारत में हुआ। आप जो पूर्वोत्तर भारत पहचान रहे हैं, ये रहा पूर्वोत्तर भारत, सबसे पहले सूर्योदय यहां हुआ, फिर धीरे धीरे इस तरह से ये घूमती चली गई, घूमती चली गई, पूरे भारत में हो गया, फिर दिन छुप गया, फिर आपके सामने भारत आया, भारत सूरज के सामने वापस आया, भारत वापस आया, आया आया, अब ये देखो सूर्य निकल आया, जब आपको दिख रहा है तब समझो सूरज निकल आया, फिर ये देखिए सनसेट हो गया, यही तो सिस्टम चलता रहता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो कहने का अर्थ क्या निकालें हम, कहने का अर्थ ये निकालें कि अच्छा, हम लोग कभी भी घूमते घूमते खुद न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन क्यों नहीं पहुंच गए? हम इसलिए नहीं पहुंच गए क्योंकि वो लोग अपनी जगह पर फिक्स है, हम अपनी जगह पर फिक्स है, जगह नहीं घूम रही है, पृथ्वी खुद घूम रही है। इसको समझने का आसान तरीका क्या है? कितना भी तेज रोला कॉस्टर घूमता है, वो बड़ा पहिया नहीं होता है, वैगन व्हील जिसको आप कहते हैं मेले में, जिसमें झूलने जाते हैं कभी आप, वो कितना भी तेज घूमे, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है जिस सीट पर आप बैठे हो आप और अगली सीट वाले एक साथ बैठ जाओगे, या फिर आपकी सीट और उसकी सीट एक साथ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है ना, है ऐसा तो कभी नहीं होता है। वो कितना भी तेज घूम ले, आप अपनी जगह रहोगे, वो अपनी जगह रहेगा, क्लियर है? इसी प्रकार से धरती पर भी ये सारी जगह क्लियर हो गई। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि सर वो वाली लाइन तो आपने सीधी खींच दी थी, इस वाली लाइन को टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया? इस वाली लाइन को साथियों टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों का यह कहना था कि भाई आप इस लाइन का महत्व बताओ कि यूज क्या करने वाले हो। बोले भाई देख, 12 घंटे यो और 12 घंटे यो, कुल 24 घंटे का फेरा है। अगर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है, कुल घेरा 12 घंटे का हमको पता है कि यूं है, लेकिन पृथ्वी तो एक ही दिशा में घूमती है, तो ये जगह वापस कितनी देर में आएगी? 24 घंटे में आएगी। तो भाई बात यह है कि आप लोग डिसाइड कर लो आप कौन सी साइड रहना चाहते हो। बोले कौन सी साइड रहना चाहते हो, से मतलब है आप अपने यहां पर सूर्योदय पहले मान करके तारीख पहले आप चाहते हो, या दूसरा देश अपने यहां तारीख रखवाना चाहता है। आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस तारीख का क्या मतलब है, अभी बताता हूं साथियों। इस फरवरी में 28 दिन है, एक बार के लिए ध्यान से सुनिए, फरवरी में 28 दिन है और हर दिन में 24 घंटे हैं। मैं ये कह रहा हूं पृथ्वी एक 24 घंटे घूम गई तो एक पूरा पूरा डेट खत्म हो गया। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, 24 घंटे अगर पृथ्वी घूम गई तो एक पूरी पूरी तारीख खत्म हो गई ना, फिर एक बार 24 घंटे और घूम गई तो पूरी एक तारीख फिर खत्म हो गई। तो लोगों ने कहा कि पृथ्वी ऐसे घूमती रहेगी, दिन पूरे पूरे जाते रहेंगे, तो एक बात बताओ हम अपने यहां पर कौन सी तारीख माने। इस बात का निर्धारण करने के लिए कुछ देशों ने तो यह कहा कि इस इंटरनेशनल डेट लाइन से हम पूर्व में रहना चाहते हैं, कुछ ने कहा हम पश्चिम में रहना चाहते हैं, लेकिन ये हर देश पर वैलिड नहीं था। कहीं इंडिया वाले कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो इस तरफ ही जाना चाहते हैं, हम इसको क्रॉस करके उधर जाना चाहते हैं। नहीं, जिनमें से ये टेक्निकली क्रॉस हो रही थी उन देशों ने ये कहा कि हम अपने में से इस लाइन को क्रॉस होने नहीं देना चाहते, जल संधि में से होकर के निकाल लो। अदरवाइज जरा सोच के देखो, एक बार के लिए ऐसे अंदाजा लगाओ, अगर रशिया के एक भाग में से होकर के इंटरनेशनल डेट लाइन यू निकल जाती तो रशिया का एक हिस्सा ऐसा होता जो एक तारीख मना रहा होता, मान लो 8 तारीख ये मना रहे होते तो ये 9 तारीख मना रहे होते, तो तारीखों में अंतर एक ही देश में हो जाता, इसलिए मेरे प्यारे साथियों इस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये था इंटरनेशनल डेट लाइन का लॉजिक। वैसे इन सब के बारे में कल एक बार फिर से और ज्यादा चर्चा की जाएगी, फिलहाल इसके बारे में थोड़ा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है,
और विस्तार पूर्वक कल हम इसको पढ़ेंगे। इस क्लास के साथ साथ वो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैपिंग वाली क्लास, वो लगातार देखते रहना, उसमें कोई भी मिस मत करना, तभी आपको ये सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये तो देखते ही रहना है, इसमें तो थ्योरी है, इसमें सारी चीजें समझाइश वाली भी हैं, लेकिन वो वाली क्लास इसलिए देखनी है क्योंकि वो प्रैक्टिस की है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराएगी। सुबह 10 बजे होती है वो वाली क्लास, ठीक है ना, स्पेशल क्लास है, ठीक है। चलिए, अतुल मगलहोत्रा, हेलो सर, मेरा नाम आरती है, मेरा भाई सब्सक्रिप्शन अपने नाम से लिया है, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, बट मैं काफी पुरानी स्टूडेंट हूँ, करंट के मॉर्निंग बैच, इसलिए आपका आशीर्वाद दीजिए। हाँ भाई आरती, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा, और सभी साथी जो आज जुड़े हैं उन सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, है ना। और बेफिक्र होकर के मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, लोड मत लीजिए, और डेफिनेटली आपको ये सेशन बहुत फ्रूटफुल होगा। अपने ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सेशन जो हम आपको दे रहे हैं, ये सेशन बच्चों के प्यार से बहुत ज्यादा समृद्ध सेशन है ऑलरेडी, मतलब इसे विद्यार्थियों के द्वारा हाई रिकमेंडेशन प्राप्त है ना। और आपको 1% चिंता नहीं करनी है, आप एकदम सेफ हैंड्स में हैं। एक भी दिन ऐसा मत सोचिए पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि मैं पूरा पूरा ये सेशन कंप्लीट कर चुका हूँ एक बार, कंप्लीट से मतलब है 1 साल पूरा पढ़ा चुका हूँ, अब ये रिवाइंड हो रहा है, मतलब इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, फिर है ना इकोनॉमिक्स, फिर सारी चीजें खत्म करा चुका हूँ। इसलिए कहीं पर भी भविष्य में क्या होगा इस बात को लेकर मत डरिए, क्योंकि मैं एक पूरा कंप्लीट सेशन इसका राउंड द क्लॉक खत्म करा चुका हूँ, है ना। सब मस्त चलेगा, बिंदास रहिए, जैसा आज का सेशन है ऐसा ही हर सेशन आपको और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा, है ना। नोट्स के लिए आपको क्लास के बगल में 3 डॉट दिए हुए हैं, वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। शुभम प्रणाम सर, शुभम भैया बहुत सारा आशीर्वाद। इसके बाद देवकी नंदन इंडियन ज्योग्राफी होगा। भजन लाल, आप मेरे फैन हो गए हैं इसलिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। उज्जवल सिंह बिल्कुल आएंगे भैया, लाइफ में पहली बार कंसेप्ट पढ़ा है ऋषि, चलिए भैया बहुत ही अच्छी बात है। पीसीएस लेवल टच कर दीजिएगा। गोरांग तुम तो बोलो ही मत, 1 साल से बैठकर कौन सा लेवल टच करा रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा, एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा है, निकल गया, किसी विद्यार्थी ने अपने पिताजी के बारे में लाइन लिखी है पर वो ऊपर कमेंट निकल गया जल्दबाजी में। वो कमेंट निकल गया भाई, लेकिन दिखा था हल्का सा फिर उड़ गया, ठीक है ना, मैंने देखा तो था निकल गया। दीपांशु, अर्थक्वेक में फिर थाली से समझाना, तुम लोग को मार खाओगे, अब थाली वाली कुछ नहीं बजेगी बेटा, आपकी आवश्यकता है एग्जाम वॉरियर, आप चाहें तो बनाएं, अदरवाइज पीडीएफ मिलेगी, कुछ पॉइंट्स खुद की समझ के लिए लिख लें आप बस। अभिषेक ठाकुर बिल्कुल करेंगे, एक काम कर देंगे मंथली वाला फॉर्मेट भी निकाल देंगे, ठीक है बिल्कुल। अजब लाल बिल्कुल हो जाएगा, काजल वो मैंने स्पेशल क्लास करवाई थी उसकी, स्पेशल क्लास के अंदर होगी वो वाली चीज, पल्लवी यदुवंशी, गुप्ता अमित सर सबसे प्रॉमिस करते हैं मिलने का लेकिन अलवर वालों से कभी नहीं। अरे भैया अलवर वालों से भी करें, लेकिन हमारी मुसीबत यह है कि हम बुलाएं कहाँ किसी को, कारण क्या है कि हम घर का एड्रेस देना नहीं चाहते, अदरवाइज फिर हमारे लिए पढ़ाना मुसीबत हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए दीपांशु कौन सी बुक पढ़ें बेटा, एनसीईआरटी खत्म करें, जिया और बिल्कुल ट्राई करेंगे। रोहित की आंटी हमारी क्लास लेती हैं, उनको भैया हमारा प्रणाम करिएगा, रहती का थैंक यू बेटा। राहुल गौरव थैंक यू सो मच बेटा, अपने पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम प्रेषित करिएगा, थैंक यू सो मच। निशा बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बेटा, बिल्कुल एके पांडे आपने सही कहा। विकास अब तो क्लास में आ चुके हो तो रेफरल कोड की आवश्यकता नहीं है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मिलते हैं 7:30 बजे एक नए सेशन के साथ में, आज क्रिप्टो करेंसी सिखाएंगे, 7:30 बजे यूपीएससी चैनल पर पहुंचिए, कुछ सिखाते हैं आपको कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी, क्या होता है पूरा के पूरा कंसेप्ट, पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। ओके थैंक यू सो मच।